किस बात की जल्दी भाई? वैसे आज का लंच तुम्हारी तरफ से है। थैंक यू। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स, वहां क्या देख रहे हो? अलिश्मा ने कहा है कि आज सारिम से लंच लेकर रहेंगे। फिर तो मैं बड़ा लकी हूँ। लकी तो तुम हो, हम सब तुमसे इतना प्यार करते हैं। ये बात तो सच कही आपने भाई, इस घर में सब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एनी वे भाभी, अब लंच पे आपको लेके जाना है तो आप अपना फेवरेट रेस्टोरेंट भी बता दें, मैं वहां की बुकिंग करा लेता हूँ। नहीं, मेरा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट नहीं है। अरे क्यों? फर्स्ट टाइम हम तीनों लंच पे साथ जा रहे हैं तो तुम्हारी फेवरेट जगह पे चलते हैं। नहीं सादान, मेरी कोई पसंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी, क्या आपको कोई फेवरेट रेस्टोरेंट ना? शादी से पहले कहीं तो जाती होंगी ना आप? सारे में शादी से पहले कहाँ जाती थी, कौन सा मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था, ये बताने की मैं आपको बिल्कुल भी पाबंद नहीं हूँ। लगता है भाभी फिर से नाराज हो गए, कहीं ऐसा ना हो दोबारा अपनी अम्मी के घर चली जाए। ठीक है, अगर आप लोगों का मूड नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है लंच का, खुश रहें आप लोग। सादान, क्या हुआ? अलिश्मा को किसी ने कुछ कहा है? नहीं मामा, कुछ नहीं कहा। तो फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? आप उसी से पूछ रहे हैं, अपने कमरे में हो। तुमसे पूछ रही हूं तो तुम ही बता दो ना। अब मैं क्या बताऊं मामा, मुझे तो खुद नहीं पता। पर वो रो क्यों रही थी? आई डोंट नो, मेरी समझ से बाहर है। अलिश्मा तुम्हारी समझ से बाहर है, इसका क्या मतलब हुआ? ये फैक्ट है मामा, मेरी समझ से बाहर है उसके रिएक्शंस। सारिम ने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसका मूड ऑफ हो गया। आज फिर सारिम ने सिर्फ इतना पूछा कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, बस उसी बात पे उसने सारिम को सुना दी। चलो तुम ऑफिस जाओ, इग्नोर करो। इग्नोर करो? हाँ इग्नोर इट, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। आई होप सो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय।